नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आप सभी का एक और नई वीडियो पर मोस्ट वेलकम है। तो आज हम किलोग्राम, ग्राम भाई 10 ग्राम 20 ग्राम का उसका मूल्य निकालना सीखेंगे। उसको हम कैसे निकालेंगे बिल्कुल आसानी से। तो आपके जीवन में ग्राम का हिसाब लगाना भी बहुत ही जरूरी है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसको आप कैसे सोल्व करेंगे। अगर कहीं दुकान से आप सामान को खरीदते हैं तो 10 ग्राम 20 ग्राम 50 ग्राम 100 ग्राम का मूल्य हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो आप वीडियो को सिर्फ अंत तक जरूर देखना। तो चलो हम वीडियो को शुरुआत करते हैं और आप कमेंट कर जरूर बताना। आपको वीडियो कैसी लगती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो भी आप कमेंट करना, अगर आपको वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो भी आप कमेंट जरूर करना। तो चलो हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा आज का क्वेश्चन है, यदि एक किलोग्राम चावल का मूल्य 75 रुपए है तो 10 ग्राम का मूल्य क्या होगा। यदि एक किलोग्राम चावल का मूल्य 75 रुपए है तो 10 ग्राम का हमें मूल्य निकालना है। तो सबसे पहले हम समझेंगे भाई एक किलोग्राम इज इक्वल टू कितने होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। एक किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। तो हम यहां स्टेटमेंट यहां लिखेंगे हम हल 1000, क्यों हमें यहां देखो 10 ग्राम का मूल्य निकालना है तो हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे, इसको बदल लेंगे भाई। 1 किलोग्राम को हम 1000 ग्राम में इसे बदल लेंगे तो हमें आसानी होगी निकालने में। तो 1000 ग्राम चावल का मूल्य, 1000 ग्राम चावल का मूल्य, चावल का मूल्य कितना है, 75 रुपए दिए गए। कितने रुपए दिए गए हैं, 75 रुपए दिए गए हैं। अब हम क्या निकालेंगे, 1 ग्राम का निकालेंगे हम, 1 ग्राम का मूल्य निकालेंगे हम। 1 ग्राम चावल का मूल्य कम होगा या ज्यादा होगा, कम होगा या ज्यादा होगा। तो अगर 1000 ग्राम का मूल्य 75 रुपए है तो 1 ग्राम अगर हम चावल खरीदते हैं तो हमें कम रुपए देने पड़ेंगे। तो कम हो तो किस में रखते हैं, भाग में रखते हैं, 75 बटे कितना रखेंगे हम, 1000। 75 बटे हम कितना रखेंगे, तो हम 1 ग्राम का मूल्य निकाल लेते हैं। तो 1 ग्राम का मूल्य कितना आएगा हमारे पास, 1 ग्राम का मूल्य तो 75। तो हमारे पास यहाँ कितने जीरो दी गई है, 3 जीरो दी गई, तो 1 2 3। तो अगर हम एक अंक और बनाएंगे तो हम यहाँ जीरो लगा लेंगे, तो यहाँ हमारे पास पॉइंट, ये हमारे पास कितने आ जाएंगे, रुपए। तो 0.07 रुपए आ जाएगा, 0.075 रुपए हमें 1 ग्राम का मूल्य देना पड़ेगा। हमें कितना ग्राम खरीदना है, 10 ग्राम खरीदना है। कितना ग्राम खरीदना है, 10 ग्राम। तो यहां लिखेंगे हम 10 ग्राम चावल का मूल्य, चावल का मूल्य, तो 0.10 ग्राम का निकालेंगे तो इसके साथ इसकी हम गुणा कर देंगे, क्योंकि 1 ग्राम का मूल्य कितना दिया गया है, 0.075 रुपए है। तो इसके साथ हम 0.75 गुना कितना आएगा, 10 के साथ हम इसकी गुना कर देंगे, 5 एकम 1 से गुना कर लेंगे, 0 लगा देंगे हम इसके अंदर, 5 एकम 5, 7 एकम 7, और हम यहाँ 0 लगा देते, 1 जीरो इसके पीछे, 1 जीरो इसके पीछे। अगर देखो हमारे पास इसमें 1 2 3 अंक के बाद दशमलव है तो इसमें कितना आएगा, 1 2 3 अंकों के बाद इसमें दशमलव लगा देंगे तो इसमें इतने रुपए आएंगे, कितने रुपए आएंगे, कितने रुपए हैं, 0.750 रुपए। तो इसमें हम इस जीरो को हटा सकते हैं, इस जीरो को हम हटा सकते हैं तो 0.75 रुपए आ जाएंगे। अगर हमें 20 ग्राम का निकालना है, अगर तो हमें 20 ग्राम का निकालना है तो हम यहाँ 20 ग्राम रखेंगे और इसको 20 के साथ हम इसकी गुना कर देंगे। अगर हमें 20 ग्राम का निकालना है तो 0.075 को हम किससे गुणा करेंगे, 20 से गुणा कर देंगे, तो 5 दूनी 10, 7 दूनी 14 15 और 1 ये 0 लग जाएगी। तो कितने अंकों के बाद, 1 2 3 अंकों के बाद इसमें दशमलव लगा देंगे तो इसमें ये आ जाएगा। तो इसमें 1 0 डाल देते हैं हम, तो 1.50 मतलब 1.50 रुपए आएगा। अगर इसका निकालेंगे हम तो 75 पैसे, 75 पैसे, 10 ग्राम का मूल्य कितना होगा, 75 पैसे आएगा, 0.75 रुपए आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए।
चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ऐसी वीडियो पाने के लिए बेल प्रेस जरूर करना ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी दोस्तों तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू। जय हिंद। जय भारत।